Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. शहर है, यहां रोज हजारों लोग आकर बसते हैं। क्या आपको मालूम है आपके पड़ोस में कौन रहता है? एक मस्त बात बोलू, कल एक चाचा बैठ गए मेरे ऑटो में। क्या बोलू रे, ऑटो स्टार्ट किया मैं, मुश्किल से 1 किलोमीटर गया होऊंगा। चाचा बोलता है, थोड़ा थामा थामा, ओ बेटा रोको रोको रोको, थोड़ा पेशाब जाने का। मैं ऑटो खड़ी किया, जाके आया, फिर स्टार्ट किया, एक ही सिग्नल पार किया, फिर बोलता है, अरे बेटा थोड़ा बाजू बाजू बाजू, थामा थामा, फिर गया, फिर आया, फिर आगे जाके फिर रुका रहे, फिर रुका रहे। मैं बढ़ गया रे, क्या बात कर रहे? हाँ, मैं बोला चाचा क्या गड़ी, क्या तकलीफ, क्या है तुमको, क्या चैन नहीं है? बेटा चैन तो है, बस खोल नहीं रही है। अरे कल क्या हुआ, क्या हुआ? कॉलेज के छोकरा छोकरी लोग का भाड़ा मेरे को मिला, वो बैठे थे, मैं ऑटो चला रहा था बिंदास, उनका गाना होना चालू हो गया, अंताक्षरी रे। लड़की बोली, आज कैसे भी करके इन लड़के लोग को हरा कर ही दिखाएंगे। लड़का चैप्टर था, बोलता है चलो हम हारे अभी दिखा। पैसेंजर आए क्या, चलाते हो रे, क्रेजी किया रे पैसेंजर लोग ने, क्रेजी किया रे। किधर जाने का? नेहरू ने पैसेंजर चलो भाई। और बता, तू रहता वहाँ पे, रहता वहाँ पे, क्या हुआ? चलो दूसरा ऑटो ले लो। पर ये चल क्यों नहीं रही है? ए अरे उतर, क्या कर रहे यार, स्टार्ट होगी अभी। हुआ क्या है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता इसके बारे में, पता ही नहीं इसका क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। स्टार्ट हो रही है, गियर में भी जा रही है, रेस भी ले रहा हूँ, क्लच भी छोड़ रहा हूँ, चल नहीं रही है, चल नहीं रही है। हाँ, आगे नहीं बढ़ रही है। अच्छा हाँ, चल मैं देखता हूँ। चल स्टार्ट कर। क्या अरे हंस क्यों रहा है?
मेरे को हंसने को आ रहा है। अरे मैंने कोई जोक मारा है क्या? पर ये मीटर से इंजन का क्या संबंध? अरे तो स्टार्ट करना। स्टार्ट करूं? हाँ करता हूँ बाबा। ये देख चाबी लगाया, किक मारा, गियर में डाला, अभी रेस दे रहा हूँ मैं। अरे क्लच छोड़ेगा तब चलेगी ना, चल छोड़ छोड़ छोड़। देव देख माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चल। तुम्हारी माताजी को दिल का दौरा पड़ा है, 48 घंटे तक तो कुछ नहीं कह सकते, कॉम्प्लिकेशंस काफी है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, ये अच्छा हुआ जो सही वक्त पे उन्हें यहाँ ले आए। आई विल ट्राई माई बेस्ट, टेक केयर। पैसे वापस चाहिए? जी माँ हॉस्पिटल में है और शायद ऑपरेशन भी हो, पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन आरती तुम लोग तो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलने वाले थे। माँ से बढ़कर कुछ नहीं है शर्मा जी। ठीक है मैं देखता हूँ। अंदर आपको बुला रही हैं, जाके उन्हें मिल लीजिए। माँ क्या क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं कि तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मुझे तो लग रहा था बिछड़ने का टाइम आ गया। माँ कैसी बात कर रही है तू? अगर मुझे कुछ हो गया। कुछ नहीं होगा तुझे माँ, कुछ नहीं होगा। कितने गलत टाइम पे बीमार पड़ी मैं, एक तरफ अंजलि की एग्जाम, फिर कल तेरी बाबूजी की बरसी भी है, मुझे पूजा करनी थी। माँ सब वैसे ही होगा जैसे तू किया करती थी, बस फिक्र मत कर। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, अपने गले से हमें भी ल...
लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है, नाम कितने कई रूप हैं। हर शहर में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि टाइम पर दवाइयाँ लेते रहिएगा। ये रही माँ जी की फाइल। और हाँ, जाते समय आप गेट नंबर 2 से ही जाना, क्योंकि गेट नंबर 1 दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। कोई दिल्ली का जज है उसकी सिक्योरिटी के लिए। जज साहब, ये केस बिल्कुल झूठा है। मेरे मुवक्किल के साथ साजिश की जा रही है। अब मैं आपके सामने इस केस के चश्मदीद गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। देवा, अगर यहाँ भी दिल्ली जैसे हालात हो गए तो? जब होंगे देख लेंगे। आरती, तुम तैयार हो तो चलें? जी, बस एक मिनट। ये माँ की दवाई ले आना, और दोपहर की खुराक खुद अपने हाथ से देना, माँ भूल जाती है। जी भैया। भैया, मुझे भी कॉलेज छोड़ दो। अंजलि। हाँ माँ। मंदिर में माथा टेक कर जाना बेटा, आज रिजल्ट है ना तुम्हारा। रघु, ए रघु। आ रहा हूँ यार, 5 मिनट रुक। 5 मिनट। वाह, हाय हाय, इसे कहते हैं खूबसूरती। नजर भर कर आदमी देख ले तो बस ठंडा हो जाए साला। यूं देख कर हुजूर निगाहों के वार मत कीजिए। हाय 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 हाय। चिकनी, अरे कहाँ चली? ओए मेरी बात तो सुन। ओए ओए जाने मन, ओए मेरी बात तो सुन। अरे चलो सज्जनों, तुम सब लोग शुद्ध हो गए। ये नारियल पानी नहीं है, अमृत जल है। सबके पाप धुल गए। टेंशन खत्म। चलो पंडित जी, ये बांट लो, बांट लो। ये बर्थडे का गाना नहीं चाहिए, पब्लिक बहुत बोर होती है यार। भाऊ, आज तो आपको केक काटना चाहिए। आदमी छोड़ के कुछ और काटना मेरे को जमता नहीं, बहुत बुरा लगता है। जितरो जितरो। एक दिन चोरी पकड़ी थी केक काटने के लिए, हाथ पसीना पसीना हो गया, तब बुलबुल ने काटा था ना। हाँ, अच्छा रात को प्रोग्राम रखो पिक्चर का, वो दादा कौन के का, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, दिखाओ लगाओ सबको। भाव आ गया। क्या भाव? क्या राजे, क्या चल रहा है भाव? सुनाना है तो अच्छा खबर सुनाना, नहीं तो मत सुनाना। क्या अलवेला, कौन सा नया मैगजीन लाया? ये लो भाव। वाह, लड़की है कि बुलेट है बुलेट। इसका कौन सा नया पिक्चर आ रहा है अभी? इसका रात का गुना और गरम बिस्तर रिलीज होने वाली है। ऐसे टाइटल के लिए बिल्कुल फिट है ये लड़की।
इसका कनेक्शन निकाल कर रखना जी। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये ये इन लोगों की क्या स्टोरी है। भाऊ बांद्रा में एक प्रॉपर्टी है, उस पर हम एक 5-स्टार होटल बनाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? भाऊ वहाँ पर एक पारसी फैमिली रहती है और वो अपनी जगह बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो साइन किसका चाहिए बताओ ना, इधर ही बुलवा लेता हूँ। हाँ जी ठीक है जी। अभी पैसे की जो भी बात है रज्जी से बात करना। ठीक है, मैं इस मोह माया से दूर रहता हूँ। चलो। अच्छा वो पुलिस वाले को क्या किया? गटर में डाल दिया साले को भाऊ, ऊपर से 2 गोनी नमक। चलो एक चिराग और बुझ गया, अब एक और नया भर्ती। संसार का नियम है, पुराना जाता है नया आता है, पुराना जाता है। अरे चल। जी बस आ रही हूँ। तो शुरू हो जाएगी। जिया, जिया,
जब से मोर नैना तुझसे लड़े गए। मैं ना अपनी औरत से बहुत परेशान हूँ यार, जब देखो तब 2,500 रुपए दे दो, 3,000 रुपए दे दो, 1,500 रुपए दे दो। आज सुबह कुल्ला कर रहा था, पीछे खड़ी 1,500 रुपए दे दो। अरे पैसे झाल में लगे क्या, मैं ऑटो चलाता हूँ यार। पर तेरी औरत इतना पैसा खर्चा कहाँ करती है? मेरे क्या मालूम, मैंने आज तक उसको पैसा दिया नहीं है। ए राजू चल, तेरा पैसेंजर आ गया, बातें कम कर। हाय पैसेंजर, चल चल। क्या आदमी है राजू तू भी। तो बैठ गए, ड्राइवर नहीं है बस, आ गया। चलो भैया जल्दी स्टार्ट करो, चलो। अरे ये रिक्शा क्यों नहीं स्टार्ट? चलो भाई स्टार्ट करो, क्या कर रहे हो? चल स्टार्ट कर। हाँ हाँ मीटर से होगा। हाँ वो देख। चलो जी दूसरा रिक्शा पकड़ते हैं, यही बैठे रहेंगे नहीं तो। क्या हुआ? अरे वही जो एक हफ्ते से हो रहा है। हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, स्टार्ट करता हूँ, गियर में डालता हूँ, क्लच लेता हूँ, स्टार्ट हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, वही सेम प्रॉब्लम। अच्छा हाँ एक ये तो करके देख लिया है। करके देख लिया? अब पहले पहले अच्छा। एक मिनट, उधर क्या है? I don't know. चल स्टार्ट कर। देवा मैं तेरे को क्या लगता हूँ? अरे स्टार्ट करना। स्टार्ट कैसे? स्टार्ट कोशिश तो कीजिए, इसमें क्या जाता है? पर पहले भी स्टार्ट करूं? हाँ कर। ये देख न्यूट्रल किया, चाबी लगाई और ये किक मारा, अब मैं रेस दे रहा हूँ। अरे क्लच, क्लच तो छोड़। और ये क्लच छोड़ रहा हूँ। ये ठीक है या ये? शायद इधर होगा। मुझे याद है इसी में रखा था यार। अच्छा भाई ये हटाना क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ बोल कपूर, क्या हुआ, सामान मिल गया क्या? अरे जल्दी चलो जल्दी, सामान मिल गया चलो। अरे यार तुम लोग यार रिक्शे की ऐसी करवा दी, चलो चलो जल्दी बैठो चलो। इसे कहते हैं कसूती, नजर अगर आदमी देख ले तो बस ठंडा हो जाए साला। यूं देखो तू निगाहों के वार मत कीजिए। ओए होए 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 मान गया। दिल करता है खुद को गोली मार लूं। अगर इससे बहन की शादी होती हो तो बेशक अपने आप को गोली मार लूं। अब देवधर ही समझाएगा उसे। क्यों भाई, क्यों दुकान खाली कर दूं मैं? कानून के हिसाब से अगर बात करो तो 17 साल के बाद किराएदार को मालिकाना हक मिल जाता जगह पर, लेकिन मैंने कभी इसे अपनी जगह कहा? हाँ जी 70 रुपए किराया था, जिसे बढ़ाकर मैंने 1,300 रुपए कर दिया, और कभी आपको किराया मांगने की जरूरत पड़ी? तारीख के 2 दिन पहले देकर जाता हूँ। चावला साहब आप शरीफ आदमी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इसकी बहन की शादी है। शादी है तो मैं क्या करूँ, ये इनकी प्रॉब्लम है मेरी नहीं। अरे,
से कट्टा लिए घूम रहा अपनी जेब में। अगर कल रात में इसे नहीं रोकता तो तेरी फोटो पर इसने हार चढ़ा दिया था। देख चावला, जिंदगी रहेगी तो और नई दुकानें आ जाएंगी। ला कागज दे, ये ले, साइन कर। माँ, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप और भैया जो कर रहे हो वो सरासर गुंडागर्दी है। अगर ये गुंडागर्दी है तो मैं तो चाहूंगी कि हर घर में हम माँ बेटे जैसे गुंडे हों। माँ, क्या तुम भैया से प्यार नहीं करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, बल्कि सच तो यह कि मैंने उसी से ज्यादा प्यार किया है। बचपन में उसे खरोच भी आती थी तो मेरी रात की नींद उड़ जाती थी। बहुत लाड़ से पाला है उसे। पता है उसका स्कूल हमारे घर से 2 मील की दूरी पर था। जब वो चलते चलते थक जाता था मैं उसे गोद में उठा लेती थी। एक दिन बदमाश ने मुझसे कहा, माँ मैं थकता वकता नहीं हूँ, बस तुम्हारी गोद अच्छी लगती है। माँ, तुम भैया की शादी कर दो। कह तो रहा है कि कोई देख रखी है, बात करूंगा। हाँ भी थल्ले आ जा, तेरे ना गल करनी। मैनू पता तुसी की गल करनी है, आज तो शेव करके आओ, मैं आ रही हूं। जो मैंने पूछा था उसका जवाब चाहिए मुझे।
You bloody bitch! देवा भाई, अंजलि के ऊपर किसी ने एसिड फेंका। माँ, वो तू जानता था ना, तुझे मालूम था ना कि वो होम मिनिस्टर का बेटा अंजलि के पीछे पड़ा हुआ है, तो तूने ये बात छुपाई कैसे, बताया क्यों नहीं? आकाश, अगर तुमने बताया होता तो आज इस हॉस्पिटल में अंजलि की जगह वो होता। जा, तू भी जाके देख ले, 15 नंबर कमरे में पड़ी है, जाके देख क्या हाल कर दिया उसका, सब इसकी वजह से। कंप्लेंट नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, मुझे मेरे बेटे के हत्यारे की लाश चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ में हम
आपको बता दें, आज होम मिनिस्टर मनोहर शिंदे की बेटी की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। सूत्रों से पता चला है कि ये हत्या बदले की भावना से की गई है। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। होम मिनिस्टर मनोहर शिंदे से हमने संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस का कहना है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ ही दिनों में कातिल सामने आ जाएंगे। ऐसे निमन इसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। ओए, चल बोल, तूने मारा ना उसको। मेरी बहन कैसी है? अबे ओए, क्या पूछ रहे तेरे से? पहले बताओ मेरी बहन कैसी है। पहले तू ये बता कि तूने उसे मारा है कि नहीं। पहले ये बताओ मेरी बहन कैसी है। अरे बावड़ा हो गया क्या? तेरे से जो पूछ रहे उसका सुद्धा सुद्धा जवाब दे। तुम लोग क्यों नहीं बताते मेरी बहन कैसी है? अबे सब बता देंगे, पर तू ये कबूल कर कि तूने शिंदे साहब के बेटे को मारा है। तुम लोग पहले ये बताओ मेरी बहन कैसी है। ओए, तू ऐसे नहीं मारेगा। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो सबसे पहले मुझे जान से मार देना। जी राज तिलक जी। शर्मा जी, ये पुलिस वाले एक बेकसूर इंसान को कस्टडी में लिए हुए हैं। कौन है वो? देवधर, सन ऑफ सीता देवी। और किस थाने में है? जनकपुरी थाने में। आप क्या चाहते हैं? बस इतना ही कि जब मैं अपने घर पहुंचूं, वहां मुझे मेरा बेटा मिलना चाहिए। जी देखिए, झगड़ा टंटा और बहसबाजी का कोई मतलब नहीं है। शिंदे साहब के बेटे ने जो कुछ किया है उससे पार्टी की छवि खराब हुई है। छवि खराब हुई है, हर तरफ थू थू हो रही है, पार्टी के नाम पर धब्बा लग चुका है। अब शिंदे साहब को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। तुम नैतिकता की बात कर रहे हो? तुम दहेज के लिए बहू को जलाकर मार दिया और एक्सीडेंट बनाकर फाइल बंद कर दी, तुम नैतिकता की बात कर रहे हो? शिंदे साहब, बौखलाहट में ये उल जुलूल बातें हमसे न करें। अपना कीचड़ दूसरों पर डालकर साफ सुथरे नहीं हो पाएंगे आप। आपके बेटे ने जो किया है उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। मनोहर शिंदे, कुर्सी छोड़ो। चुप, शांत हो जाइए। शिंदे साहब, आप मेरे साथ अंदर चलिए। आइए। मनोहर जी, होता है राजनीति में उतार चढ़ाव तो आता है। ऐसे वक्त पर जब हवा आपके खिलाफ हो, फैसले बहुत धैर्य और सूझबूझ से करने चाहिए। इस वक्त आपका इस्तीफा देना सिर्फ पार्टी के हक में नहीं, आपके हित में भी है। जी मनोहर जी, मैं ये बात पार्टी प्रेसिडेंट के हैसियत से नहीं, एक दोस्त के नाते कह रही हूँ। देखिए, आप एक काम करिए, आप इस्तीफा दे दीजिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, और उसमें आप कहिए कि आपके बेटे से जो हुआ उससे आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, बहुत दुख हुआ है, इसलिए आप इस्तीफा दे रहे हैं। और फिर कोल्हापुर जाकर संतरे और केले की खेती करूं, यही ना? आप महाराष्ट्र में पार्टी की सेवा जारी रखिए, हालात फिर बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर देवधर, आप मिरेकल की बात कर रहे हैं। मैं अपनी बहन के चेहरे की बात कर रहा हूँ। देवधर साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आपकी बहन का चेहरा वैसा नहीं हो सकता जैसा कि पहले था। मुझे मेरी बहन का चेहरा वैसा ही चाहिए जैसा था। देखिए, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक नहीं कई सर्जरी करनी पड़ेंगी और इन सब में लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर, वो मेरे बेटे की प्रॉब्लम है, हमारे परिवार की प्रॉब्लम है। क्या हुआ देवधर? कुछ नहीं, पहले जब सुना करता था कि किसी लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया है या किसी लड़की को दहेज के चक्कर में चला दिया गया है, माँ बाप को घर से निकाल दिया, तब समझ में नहीं आता था कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन अब समझ में आ गया कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। लिस्ट बनाओ, उन सबको सबक सिखाना है। चाइल्ड रेपिस्ट रोमिंग फ्री, अनुज भाटिया, पिता को नहीं मिला इंसाफ, 7 साल बाद हारा बेटी की हत्या का मुकदमा, इसका भी नाम लिख। डोरी विक्टिम डाइस इन हॉस्पिटल, मनदीप सिंह। हे गोगी, बाकी सब लिस्ट बाद में,
सबसे पहले इस हरामी का नाम लिख। क्या नाम है इसका? अनूप गोसाई। लिख इस साले का नाम, इसने 13 साल की बच्ची के ऊपर ऐसे फेंका। याद कर तूने क्या किया था, याद कर, याद कर। याद कर उस लड़की का चेहरा जो तेजाब मारने से पहले था, और फिर सोच तेजाब मारने के बाद उस लड़की का चेहरा कैसा हुआ होगा। कितनी तड़पी होगी वो, उसके जले हुए चेहरे को देखकर उसके माँ बाप भाई बहन पर क्या बीती होगी, क्या बीती होगी उस लड़की पर जब उसने अपना जला हुआ चेहरा आईने में देखा होगा। किसी का चेहरा बिगाड़ने के लिए तेजाब की एक बूंद काफी है, मगर तूने उसके चेहरे पर तेजाब से भरा हुआ पूरा बल फेंका था। घबरा मत, ये तो पानी था, तेजाब तो अब मारूंगा। बता दें, ऐसा लगता है जैसे कोई गिरोह हिट लिस्ट बनाकर लड़कियों पर तेजाब फेंकने वालों और अपराधियों की हत्याएं कर रहा है। जहां पुलिस हैरान है, वहीं आम जनता इन हत्याओं से खुश नजर आ रही है। आज तक की खास रिपोर्ट। ये लो 50 लाख रुपए, अब तो मेरे बेटे को छोड़ दो। छोड़ देंगे, कल सुबह तुम्हारा लौंडा तुम्हारे घर पहुँचाएगा। देवधर, क्या हम पैसों के लिए इसके लौंडे को छोड़ देंगे? इन पैसों से उन मासूम लड़कियों का इलाज होगा जिनकी जिंदगी इन जैसे कमीनों ने बिगाड़ी है। उस लौंडे का तो वही हशर होगा जो बाकी सबका हुआ है। सलाम वालेकुम अफजल भाई। वालेकुम सलाम। लीजिए, इसमें 2 लाख रुपया है आपके लड़के रैना का इलाज के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, अब तक तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ था हमारे लिए। आप फिक्र मत कीजिए अफजल भाई, कभी भी कुछ भी चीज का जरूरत पड़े हमको याद कीजिए, हम लोग आएगा। कभी भी कुछ भी काम हो, एनी टाइम हमको याद कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो हमारा कार्ड रखो। कौन? तुम्हारा भाई।
पुलिस समीर को अपराधी मान रही है। उनका कहना है समीर ने नीता शर्मा को बिल्डिंग से गिराकर मार डाला है, इसके बावजूद भी आप उनका केस लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी जमानत भी करवा दी है। आपको नहीं लगता कि ऐसे अपराधी को एक मिनट आप लोग समीर के नाम के साथ अपराधी शब्द का इस्तेमाल न करें। उस पर अपराध अभी साबित नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में है। मगर पुलिस का कहना है कि समीर के खिलाफ पक्के सबूत हैं। ऐसे में कि आप ये केस जीत पाएंगे? कहना और उसे साबित करना ये दो अलग अलग बातें हैं। सच और झूठ का फैसला कोर्ट में हो जाएगा। एक और सवाल मिस्टर नथानी। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज, यू कैन गो नाउ। सर प्लीज गिव अस द आंसर। सर सर आपको जवाब देना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन सर। चलिए सर, चलिए भाई साहब आप भी चलिए, प्लीज बाहर चलिए। अरे क्या कर रहे हो? ये क्या है? कौन है आप लोग? समीर कटियाल का केस तू लड़ रहा है और तेरा केस हम। क्या चाहते हैं आप लोग? ये कहां ले जा रहे हैं आप लोग? वकील साहब, ये वही समीर है जिसका केस आप लड़ रहे हैं। समीर, वकील साहब को डिटेल में बताओ कि तुमने उस लड़की के साथ क्या क्या किया, ताकि ये तुम्हारा केस ठीक तरह से लड़ सकें। चल बता। रात के 9 बजे थे। इधर नहीं, उधर। रात के 9 बजे थे, मैंने उसे धौला कुआं से उठाया, फिर चलती गाड़ी में उसके साथ रेप किया, उसके बाद में उसे यहां लेकर आया और उसने दरवाजे में अपने पैर फंसा लिए। और यहां भी उसके साथ रेप किया। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुझे छत से नीचे फेंक दूंगा। वो लगी भागने। मैं समझा ये जरूर बता देगी और मैंने उसको छत से नीचे फेंक दिया। क्यों वकील साहब, पिता को नहीं मिला इंसाफ? 7 साल बाद हारा बेटी की हत्या का मुकदमा। इस दिल्ली सेफ फॉर वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन राइसेस। दिल्ली ऊंचा सुनती है, बलात्कारी कोर्ट से भरी, डाउरी विक्टिम डाइज इन हॉस्पिटल, एक और दहेज हत्या, और ये सब हेडलाइंस आप जैसे वकीलों की वजह से होती है। इसलिए आप जैसे वकीलों का जिंदा रहना ठीक नहीं। थर 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 सिमरन, आप देख सकती हैं हमारे पीछे सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, हर उम्र हर तबके के लोग शामिल हैं। आइए इनसे बात करते हैं।
क्या देवघर का रास्ता सही है? और कोई रास्ता है तो आप बताइए। रेहाना के केस में क्या हुआ? सरेआम उसे गोली मार दी और कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। राजीव की माँ से जाके पूछो उसके दिल पर क्या बीत रही है। रागिनी का रेपिस्ट पॉलिटिशियन की ताकत की वजह से बच गया लेकिन अब नहीं बचेगा। पुलिस का दावा है कि वो इस देवघर को गिरफ्तार करके ही रहेगी। किस किस देवघर को गिरफ्तार करेगी पुलिस? मैं भी देवदार हूँ। मैं भी देवदार हूँ। मैं भी देवदार हूँ। मैंने तो अपना सरनेम ही चेंज कर लिया है, शर्मा से गांधी हो गया हूँ गांधी। देवदार जो कर रहा है वो पुलिस को करना चाहिए। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं देवदार के बारे में? मैं सीता देवी नहीं हूँ पर देवदार गांधी मेरा बेटा। ऐसे जुलूस शहर के हर कोने से निकल रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि प्रशासन और पुलिस इस देवघर गांधी की आंधी को कैसे रोकती है। कैमरामैन राजा के साथ अदिति पंडित, नॉट प्लेस, दिल्ली। वो लोग दो आदमियों को जबरदस्ती इस बिल्डिंग में लाए, ऊपर ले गए, ऊपर से उठाकर नीचे फेंक दिया। तुम कहाँ थे उस वक्त? लॉर्ड, अब मैं उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड राम सहाय को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। हां तो राम सहाय, तुमने उन दोनों को ऊपर खींच कर ले जाते हुए इन्हें देखा था ना? नहीं साहब, मैं इन्हें जानता भी नहीं साहब। हम लोग जीत गए, जीत गए हम लोग, जीत गए। जेदर गांधी, 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 जेदर गांधी। क्या आप पॉलिटिक्स में जाना पसंद करेंगे? विपक्षी ने कहा है कि इस लड़ाई में वो आपके साथ है। तो क्या विपक्षी पार्टी ज्वाइन करेंगे? क्या आप अपनी नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं? क्या हिंसा का ये रास्ता सही है? गांधी जी ने कहा था कि आग के बदले आग लेने की भावना से सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। गांधी जी आज होते तो शायद ये ना कहते। आज वो लाठी चलने के लिए नहीं, अपनी हिफाजत के लिए उठाते और इसे बदले की भावना नहीं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कहते। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो अंधा होना ज्यादा बेहतर है। नेगी के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। कहिए, कैसे याद किया आपने मुझे? मिस्टर नेगी, आप तो जानते हैं कि आज देवधर गांधी कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। लोग कानून और पुलिस से ज्यादा गांधी पर भरोसा करने लग गए हैं। वो कहीं भी जाकर किसी के साथ कुछ भी करता है। देवधर गांधी आज आतंक और दहशत का नाम बन चुका है। जानता हूं। वो हर मामले में बच जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलते। अरे, उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं होता। हमारे क्राइम सेल के इंचार्ज मिस्टर राठौड़ हैं, जो आज तक गांधी पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे हैं। मैं चाहती हूं कि वो फाइल मिस्टर राठौड़ के पास रहे, लेकिन केस आप ऑपरेट करें। ये रही उसकी फाइल, इसमें उसके सारे डिटेल्स मिलेंगे। कंधा राठौड़ का, बंदूक मेरी,
क्या मैं जान सकता हूं अचानक ये गांधी पर अंकुश क्यों कसा जा रहा है? वो ऐसा है कि... रहने दीजिए उर्मिला जी, रहने दीजिए। अब असली बात मैं आपको बताऊं, गांधी पर आप अंकुश इसलिए लगाना चाहती हैं क्योंकि उसके हाथ उन अमीरों के गले तक पहुंच चुके हैं जिनकी डोनेशन की वजह से आपकी पार्टी चलती है। खैर, इस काम की कीमत क्या होगी मैं आपको शाम तक बता दूंगा, मगर इससे पहले मेरी भी एक बात है। ये ऑपरेशन मैं अपने तरीके से करूंगा और उसमें मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं। बातें कर रही है मां, क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? अंजलि का बदला लेना गलत है? उसके जैसे सैकड़ों बेबस लड़कियों के परिवारों की मदद करना गलत है? कानून से खेलने वालों को सबक सिखाना गलत है? मां, वो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, झूठे केसेस बना रहे हैं हम पर। मेरे दोस्तों को कुत्तों की तरह मारा जा रहा है और तू कह रही है कि शहर छोड़कर चले जाए। तू कुछ गलत नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, लेकिन फिलहाल हमें इस शहर को छोड़कर जाना है देवधर। नहीं मां, ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे हम लोग। तू आज ये बात इसलिए कह रहा है ना क्योंकि मैं तेरी सौतेली मां हूं। तू जानता है इस घर में आने से पहले मुझसे क्या कहा गया था? सीता उस घर में एक 3 साल का बच्चा है जिसे संभालने वाला कोई नहीं है। मैं इस घर में किसी की बहू या बीवी बनकर नहीं आई थी, तेरी मां बनकर आई थी। आपकी रजिस्ट्री आई है। कहाँ से? पुलिस डिपार्टमेंट से। माँ, इसका सिलेक्शन हो गया है, जाने देना इसको इंटरव्यू के लिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई? दिवाई तू है जो घर से बाहर जाते वक्त भी पूछ कर जाता है, और ये मतलब कि पुलिस में जाने का फैसला कर लिया, मैं बताया तक नहीं। इसीलिए नहीं बताया कि तुम मना कर दोगी। तुझे क्या लगता है तू अकेले सिस्टम को ठीक कर देगा? तू नहीं जाएगा पुलिस में। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पुलिस में जाऊंगा, देखता हूँ तुम कैसे रोकती हो मुझे। उल्टी बात मत कर। सॉरी भैया। मां, मान जाना, जाने देना इसे। मैं तो बस इतना जानती हूं देवा कि अगर ये पुलिस में गया तो पुलिस हमारे घर आएगी। यस सर। आकाश शर्मा, सन ऑफ एस पी शर्मा। तुम्हारी एजुकेशन मेरठ में हुई है? यस सर। भाई, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स बता रहे हैं कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हो। यू हैड ऑल द ऑप्शंस। ये पुलिस फोर्स ही क्यों? मैं पुलिस फोर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर, और मैं समझता हूं कि समाज में पुलिस की भूमिका बहुत अहम है। अच्छा, तुम्हारे इस डिसीजन पर तुम्हारे फादर का क्या रिएक्शन था? मेरे फादर नहीं है सर। मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर। तुम्हारे बड़े भाई क्या करते हैं? जी, वो रिक्शा चलाते हैं। आई सी।
भाई एक रिक्शा चलाने वाला आदमी अपने छोटे भाई को इस तरह पढ़ा लिखा कर इस मुकाम पर पहुंचा है, ये तो बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ है। मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहूंगा। श्योर सर, मैं खुद ने भेजूंगा सर। वेल यंग मैन, यू आर सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। भैया मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा भैया मैं सेलेक्ट हो गया, भैया मैं सेलेक्ट हो गया। मेरी डिग्री देखकर सर बहुत खुश हो गए, आपके बारे में पूछने लगे, और जब मैंने उन्हें ये बताया कि मेरा भाई रिक्शा चलाता है तो वो और ज्यादा खुश हो गए। इनफैक्ट वो तो आपसे मिलना भी चाहते हैं। ठीक है, मैं उन्हें मिल लूंगा, लेकिन पहले जाकर माँ को ये खुशखबरी दे। ओके भैया। मन लगा के ट्रेनिंग करना जी, और घर की फिक्र बिल्कुल मत करना जी। भैया ये रख, रास्ते में काम आएंगे। भैया साहब, आपसे कोई देवधर शर्मा नाम का आदमी मिलने आया है। नमस्ते। नमस्ते, मैं आकाश शर्मा का भाई हूं, आपने मुझे बुलाया था। प्लीज सिट डाउन। भाई तुम्हारे छोटे भाई ने जब मुझे बताया कि रिक्शा चला चला के किस तरह तुमने मेहनत करके उसे इस मुकाम पर पहुंचाया, मैंने सोचा मुझे तुमसे जरूर मिलना चाहिए और मुबारकबाद देना चाहिए। आकाश एक बहुत ही भाग्यशाली लड़का है जिसे तुम जैसा भाई मिला। इसमें तो उसकी अपनी मेहनत और लगन है, मैंने तो उसे नहीं नहीं बिल्कुल गलत। अगर तुम्हारा सपोर्ट नहीं होता तो उसे इस मुकाम पे आने में बहुत देर लगती। नाउ ही हैज बीन सिलेक्टेड, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक बार क्या हुआ, एक शराबी दो मिनट बियर बार में है और बारमैन को सीधा बोलता है, ए जल्दी 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 से पैक दे, लड़ाई होने वाला है, लड़ाई होने वाला है। उसने धपाक से दिया, ये बिना पानी के पी गया। धपाक, रिपीट रिपीट रिपीट, एक पैक और दे, लड़ाई होने वाला है, लड़ाई होने वाला है। ए रुक रे, क्या लड़ाई लड़े बोल रहा है, कभी होगा लड़ाई? अभी जब तू पैसा मांगेगा। तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ क्या, वो बताओ ना। चलना काम कर अपना। अरे बता तो सही, आधे घंटे से पैसेंजर बैठे हुए इधर, दिमाग घुमा हुआ है, भेजा खराब नहीं करना, समझा? मैं करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ मदद करता हूँ तुम्हारा। अरे मेरा मैकेनिक अभी आने वाला है। अरे पर काहे को, काहे के लिए, मैं हूँ ना, मेरे को आइडिया, बहुत आइडिया बना देता हूँ ना मैं सर। अरे मैं ना पैसे के, अरे मैकेनिक है। अरे अरे तू तू चलना यार, तू जाना, तू जा, मैं ना यार पैसे के जाल में लगते क्या, मेरे को आइडिया है स्टार्टिंग का। हाँ बहुत आइडिया, तू बैठ बैठ, मैं स्टार्ट कराता हूँ, बैठ ना तू बैठ। ये देख, ये लिया, ये घुमाया। हाँ अभी स्टार्ट कर, करना स्टार्ट कर, आइडिया मेरे को हुआ हुआ। अरे यार ऐसा होता तो था, ऐसा अभी कर, होएगा उन लोग का क्या, मीटर लोग का पूरा सिस्टम। हाँ हाँ होएगा होएगा, जोर से मारना, होता है स्टार्ट, होता है होता है स्टार्ट। आजा मैं तेरे को स्टार्ट करके बताता हूँ। भाई साहब थोड़ा गाड़ी आगे ले लो, गाड़ी के धुएं से सब मिठाई और दूध खराब हो रहा है साहब। ओके वेयर आर यू? अच्छा ठीक है, आई एम कमिंग देयर। क्यों बे,
तेरा भट्टी की आग से मेरा गाड़ी का पेंट भी तो खराब हो रहा है। मैंने बोला तेरे को, आकाश मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, छोड़ दीजिए इसे प्लीज। तेरे हाथ जोड़ने से क्या होगा, इसने सबके सामने मेरे पे हाथ उठाया है, पूरे मोहल्ले के सामने सबने देखा। अब अगर ये अपने हाथ पांव सलामत लेकर चला गया तो अपनी इज्जत का क्या, छोड़ूंगा नहीं इस साले को। आप अपनी इज्जत के लिए मुझे मारिए ना, मुझे मारेंगे तभी से समझ में आएगा कि इसे क्या नहीं करना चाहिए था। ए! मेरे भाई को हाथ मत लगाना। हाँ, करेक्ट बोला। ए! इसको ले जाओ और उधर बांधो, चलो भैया। देवा तुम मत जाओ, हम लोग सब देख लेगा। नहीं इस वाले खंभे पे बांध, सब को दिखना चाहिए, पूरे मोहल्ले को। बांध साला, रज्जी पांडे पे हाथ उठाता है। छोड़ दो मेरे भाई को, देख छोड़ दो, देख मैं तेरे भाई का क्या हाल करता हूँ, देख साला। तो अच्छी दिल्ली थी, वहां हमारे सामने कोई आंख भी नहीं उठा सकता था। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो, निरंतर है ज्योति तुम्हारी। रजी भैया पुलिस आई है। रज्जी बोल रहा हूँ। हाँ, पुलिस लॉकअप में हूँ भाऊ। अरे एक नया बटलर आया है साला। हाँ। देखो ना, उसका तो गेम बजाऊंगा भाऊ, नहीं तो अपना नाम रज्जी पांडे नहीं। हाँ। इन दुकानदारों की बात कर रहा है, कोई दुकानदार नहीं आया गवाही देने के लिए। और कौन सा केस, कैसी कार्रवाई, रज्जी पांडे को छोड़ दिया गया है। बात करता केस बनाने की। भाभी जी, आकाश भैया हैं? हाँ है ना। आकाश भैया, बाहर रज्जी पांडे आया है। जल्दी बुला रे बटलर को। ओहो, आइए आइए। नमस्कार। चाल जी भाई, चाल जी।
क्या है ना, कानून का और वेरा को जमता ही नहीं है, इसलिए वो लोग ज्यादा देर मुझे अंदर नहीं रखते। हाँ, लेकिन तू मन छोटा मत करना, तूने मुझे अंदर करके बहुत बड़ा काम किया है रे, बहुत बड़ा। इसीलिए सोचता हूं कि अब मैं भी एक बड़ा काम करूं। अरे शंकर, बाहर निकाल उसको। चल ए, चल बाहर निकल, चल आजा आजा। अंजलि, मेरी बहन को छोड़ दे, अंजलि छोड़ दे मेरी बहन को, आजा छोड़ दे मेरी बहन को। आज तो पचेगा नहीं मेरी हाथ से। आकाश, आकाश कहाँ जा रहे हो? बस कोई बाहर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं आएगा। तेरे को ऊपर जा। जी भैया। मुझे बचाओ।
इस आदमी ने भरे बाजार में एक पुलिस वाले की बहन पर हाथ डाला है। आइए सक्सेना साहब, बैठिए। देखिए, आपके केस में कुछ नहीं हो सकता। आपने पुलिस के सामने एक आदमी को मारा है और ये केस कैसे लड़ना है मुझे नहीं मालूम। मैंने आपको बैठने के लिए बोला है, बैठ जाइए। सक्सेना साहब, इस केस को किस तरह से लड़ना है ये हम आपको बताएंगे। देवा, लगता है पुलिस आ गई। तुमको जयकर, इसे पैसे की पूरी बात कर लेना और समझा देना इसे करना क्या है। वो उधर सामने, सीधे चलो। देवा, 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 देख पेपर में क्या छपा है। पुलिस कह रही है कि रज्जी पांडे ने आत्महत्या की है, उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। क्या? ये चक्कर क्या है? रोले रोले, दिल से रोले, रोने से मन हल्का होता है। रोने से मन हल्का नहीं होता बाबू, मेरे अंदर जो आग जल रही है ना, जब तक मैं उसके खोपड़ी में 8-10 गोली ना डाल दूं ना, मेरे अंदर की आग नहीं बुझेगी बाबू। देख, तू अपना ध्यान यहाँ वहाँ मत लगा, करना क्या है मैं सोच रहा हूँ ना। इसमें सोचता क्या भाऊ, वो मेरा भाई था, मौत का हिसाब तो मौत से चुकता होगा ना। अबे चुप, तुम मुंह बंद रख, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। साला फोकट में सीन लंबा किया जा रहा है। रज्जी को जिसने मारा उसको मरना है, वो मेरी बहन का मर्द नहीं लगता है। लेकिन उसको कहाँ मारना, कैसे मारना, वो प्रॉब्लम नहीं है। अभी स्टोरी में जो झटका आया है उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ। साला एक रिक्शा वाला मेरे आदमी को बाजार में भीड़ के बीच कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारता है, वो भी पुलिस के सामने, और पुलिस बोलती है रज्जी की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली, वो उसको एक्सीडेंट बताती है, जबकि खेल खुला खुला है, फिर भी पुलिस काला चश्मा चढ़ा के क्यों बैठी है, वो रिक्शा वाले के ऊपर हाथ क्यों नहीं डाल रहे। ये साला स्टोरी में नया सीन है, पहले किसी पिक्चर में देखा नहीं है। ये स्क्रीन प्ले में ऐसा ट्विस्ट आया है, देखना पड़ेगा। हाथ धो लीजिए, खाना तैयार है। हाथ, हाथ तो साफ है मेरे। हम अब ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, अब इस शहर को सुधार कर जाएंगे। मुंबई का ये चौथा अजीबोगरीब केस है। यहाँ जवान बहू बेटे ने अपने ही बूढ़े और बीमार माँ बाप को घर से निकाल दिया है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक हफ्ते पहले बहू और बेटे के एनिवर्सरी पर ये फ्लैट उनके नाम गिफ्ट किया था, और अब उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया है ये। हाँ तो प्राची, हमने इनके बहू बेटे से मिलने की बहुत कोशिश की,
पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मजे की बात तो ये है कि जिस बिल्डिंग में इन बूढ़े माँ बाप के साथ ये किस्सा हुआ है, उस बिल्डिंग का नाम है मातृ छाया, मतलब माँ की छाया। ऐसे में इनकी मदद कौन करेगा, ये देखना बाकी है। कौन है आप लोग? अरे छोड़िए छोड़िए, क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? क्या करेगी अपने बच्चों को बचाकर? यही बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा और अपनी बीवी के साथ मिलकर निकाल देगा तुम दोनों को, खड़ा कर देगा घर के बाहर रात भर, क्योंकि इंसान जो कर्म करता है उन्हीं कर्मों की करनी मिलती है उसे। और तू भूल गया अपने माँ बाप की करनी को? अरे तू यहाँ खड़ा है उनकी वजह से, उस माँ ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर तुझे जन्म दिया, ये दुनिया दिखाई, 31 साल अपने सीने के साथ लगाकर मेरा बेटा करती रही, तू उसे भूल गया? याद कर अपनी मां की करनी को, जो उसने तुझे इतना बड़ा करने के लिए की, और ये सब उसकी ड्यूटी नहीं थी, उसका प्यार था जो तुझे करती थी। तो इस बच्चे की मां है ना, कितना प्यार करती है इसे? जी बहुत। वो भी उसकी मां है, कितना प्यार करती होगी उसे? अभी भी देर नहीं हुई, उन्हें बुला लो ऊपर, वरना इसके बाद पछताने को तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। जी। आज अंजू ने मुझको एक अजीब सा सवाल पूछा। क्या? कहने लगी, मैम इस जिंदगी में मैं देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी? कुछ दिनों पहले हमने अपनी बेटी का ब्याह किया था। अपनी हैसियत के हिसाब से जितना हो सका दिया हमने, पर उन लोगों की मांगें बढ़ती जा रही हैं। अब तो उन्होंने बच्ची को सताना शुरू कर दिया है। आप हमारे लिए कुछ कर सको तो ये उसके ससुराल का पता है। इस घर का मालिक कौन है, बुलाओ उसे। ये लोग कौन है? पता नहीं, देखिए एक वहां भी बैठा है। आप चाहते क्या है? ब्रह्मानंद शर्मा, नाम जितना महान है कर्म उतने ही नीच। ये लौंडा है तुम्हारा? जी। इसकी बीवी कहाँ है? वो मायके गई है। माइके गई है या तुम लोगों ने भेज दिया उसे? जयकर, इधर आओ। जो बाप तुम्हें अपनी वो औलाद दे दे जो आगे चलकर तुम्हारा वंश चलाएगी, उसे तुम टीवी, फ्रिज और कार मांगते हो? रमानंद जी, जी एक बात और याद रखना, आज के बाद ये सिर्फ तुम्हारी बहू ही नहीं मेरी बहन भी है। जी अच्छा। देवा तुम? मैम मैं देवधर शर्मा, सन ऑफ मिस्टर एस पी शर्मा, आपको सूचित करता हूँ कि
मेरे मरने के बाद मेरी आंखें अंजू पटेल, डॉटर ऑफ अशोक पटेल को दे दी जाए। बारह बज गए, 11 बजे से आप लोग यहाँ क्यों जमा हो गए? हाँ, कारगिल की जंग लड़कर नहीं आ रहा हूँ, गुंडा हट के 6 महीने काट कर आ रहा हूँ। बस अब से एक सवाल। किसे बेटे सवाल सुनने का मूड नहीं है? हाँ, तुम समझदार लगती हो, तुम पूछो। अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? अंदर के हालात बहुत खराब है, तकलीफ की जिंदगी है। कैदियों की नहीं, पुलिस वालों की। 4,240 रुपए पगार क्या होता है उससे? उनके बच्चों की फीस से लेकर चाय बड़ी का खर्चा कैदियों से मांग कर चलता है। मैं सरकार से बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो अनशन पर बैठूंगा। सर सुना है कि आप, पहले ये बताओ आप लोग सुनते कहां से हैं? ये सोर्स क्या है सुनने का? नहीं बताने का, धंधे का सीक्रेट है। हाँ पूछो, क्या सुना है? सर सुना है कि आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत दिन ईमान बाकी है, बाद में देखेंगे। अभी और कुछ पूछना है तो हमारे ठिकाने पर आ जाइए, अच्छी सी चर्चा होगी। अच्छी सी चर्चा मतलब आप तो समझदार है। हाँ ठीक है, आना। नहीं 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 नहीं, धन्यवाद 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 मैडम, धन्यवाद। हाँ चलो अभी बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन बताएगा? सिद्धि विनायक मंदिर। इतने साल से मेरे साथ काम कर रहा है, समझता नहीं अगला सीन क्या होगा? शंकर, ए शंकर सो रहा है क्या? नहीं भाऊ। अरे शूटिंग पे जाना जरूरी है क्या? हाँ भाऊ जाना तो पड़ेगा। ए जॉन मुझे बता ना, छोटा वाला कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है? हाँ जी भाऊ। जी कहिए। ये उसका छोटा भाई है। अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। अरे कौन है आप और क्या चाहिए आपको? उठाओ उठाओ सबको उठाओ, राशन कार्ड पे जितना भी नाम है सबको इधर बुलाओ। यही है देवा। अच्छा अच्छा आप है, और आप? भाभी जी नमस्कार नमस्कार। मार बेबी नहीं दिख रही? प्रणाम माँ जी, माफ कीजिएगा आपको इतनी रात को तकलीफ दिया मैंने। आप हैरान हो रहे हैं ना मैं कौन हूँ, इतनी रात को क्यों आया हूँ? माँ जी मेरा नाम बाबूराव कामले, नाम कोई लेता नहीं, बाबू बाबू करके बुलाते हैं। अभी लोगों का प्यार है, मैंने जिंदगी में पैसा दौलत नहीं कमाई, इज्जत कमाई। पानी दीजिए भाभी जी, आप रहने दीजिए, बेबी पानी लेकर आओ। पानी आ जाओ लेके आ। माँ जी आप बहुत भाग्यवान है। जाओ बेबी सो जाओ, रात खराब मत करो, सुबह कॉलेज जाना होगा ना, जाओ जाओ सो जाओ। माँ जी मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा मेन स्टोरी पे आता हूँ। आपको तो पता ही होगा आपके बड़े बेटे ने मेरे आदमी रज्जी पांडे को मार दिया। जब ही मैंने ये खबर सुना इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया, गुस्सा तो आया गया ना माँ जी। पांडे मतलब मेरा दाया बाजू था, काट दिया, मगर मैं जेल में था, क्या कर सकता था। फिर मुझे स्टोरी के दूसरे एंगल का जब पता चला तब मेरे समझ में आया कि आपके बेटे ने जो किया वो ठीक किया। अरे माँ बहन इज्जत और आदर के लिए है, फिर अपने देश में भाई बहन की इज्जत का रखवाला होता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भाई राखी बंधवा कर बहन को उसकी इज्जत की रखवाली का वचन देता है, तो फिर कैसे वो अपनी बहन के कपड़े फटते हुए देख सकता है? माँ जी आपको बोलता हूँ, मेरे आदमी ने इतना गिरा हुआ काम किया ना, मुझे बहुत शर्म आती है, तभी तो मैं जेल से छूटकर सीधा इधर आ गया। पांडे की स्टोरी का दी एंड तूने किया है, अभी तेरे स्टोरी का क्लाइमैक्स बाकी है, क्योंकि हमारे इधर हर पिक्चर की कहानी में हीरो अपनी लड़ाई जोश में शुरू करता है, लेकिन आगे उसको बहुत मुश्किलें तकलीफें देखनी पड़ती है। तो आ जाना कल 11 बजे विठलवाड़ी चाल में। तेरे स्टोरी का अगला सीन क्या है उधर ये बताता हूँ। 11 बजे चलो भाई सो जाओ, सब लोग ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर सो जाओ, पूरे सपने नहीं आएंगे। चलो 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 सो जाओ। ए राशन कार्ड का जेरोस कॉपी ले गया ना, ओरिजिनल रखे है। बेटा इसे कल 11 बजे मिलना जरूर।
चलो अभी तुम लोग सीन देखने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में हीरो की एंट्री। हेलो आ गया। साला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे साथ सीन क्या बनाऊं। तुम्हें बोल दूं माफी मांग लो या मांडवाले करो या फिर मेरे से हाथ मिलाकर मेरे साथ काम करो। ये साला सभी पिक्चर में इतनी बार आ चुका है कि पब्लिक देख देख के बोर हो चुकी है। साला तुम्हारे साथ नया सीन क्या बनाऊं। सीन बन गया, नया सीन। ये है बहू का जूता। अभी सीन ये है, इसको मुझे ये जूता पहनाना है। अभी ये सोच रहा है इतना अच्छा बॉडी है इसका, एकदम स्ट्रांग, और इतने लोगों के सामने अगर ये ऐसा करेगा तो इज्जत का कचरा। अपना हीरो टेंशन में है, मगर अभी ये सोच रहा है उसकी माँ है, भाई है, औरत है, बहन है, मतलब परिवार है। अभी इस पॉइंट पे उसको चलना चाहिए। चला। अभी आएगा, जूता उठाएगा और पहनेगा। सीन किसका है? मेरा, मतलब भाऊ का। पहनो पहनो जूता पहनो। पहनो। ओह गॉड। चलो उठो, पहनो पहनो पहनो। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई और मेरी बीवी मेरा परिवार है, और मेरा परिवार मेरी जिंदगी है। अगर तूने मेरी जिंदगी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे सीन लिख दूंगा जो ना तूने कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। इस सीन के बाद पिक्चर झोलनी खानी चाहिए, उठनी चाहिए, यहाँ से पिक्चर उठनी चाहिए। मालूम नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। माँ तू फिक्र मत कर, जब बोलेगी ना इसे तेरे सामने लाके खड़ा कर दूंगा। अंजलि अब चलो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। चलो जल्दी चलो। अंजलि, 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 अंजलि। हेलो भाभी, आकाश बोल रहा हूँ। हाँ आकाश। भैया हैं घर पे? नहीं, क्यों क्या हुआ? भाभी अंजलि अचानक कहीं गायब हो गई है, मिल नहीं रही है। भाव कहाँ है? एक और एक ग्यारह, संजय दत्त और गोविंदा। नाम बता। शबनम। और मैं शोला। शबनम और शोला पिक्चर आई थी ना। अब
बता मेरी बहन कहाँ है? तेरी 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 बहन मुझे मुझे क्या मालूम? बता मेरी बहन कहाँ है? तेरी बता बहन तेरी बहन तेरी बहन मुझे क्या मालूम? बहन मेरे पास नहीं नहीं है नहीं। कसम से साहब, मैंने नहीं मारा उसको साहब। मैं तो गांव में गया था साहब, मैंने उसकी सुपारी नहीं ली साहब, मैंने नहीं मारा साहब उसको। नहीं नहीं साहब, गांधी की बहन हमारे किस काम आ सकती है? आपकी जिंदगी से जुड़े दो मसले हैं। एक तो आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, और दूसरा आप गांधी और उसके परिवार को तबाह करके अपने बेटे की मौत का घाव भरना चाहते हैं। ये लड़की इन दोनों मसलों का हल है। तुम बात करते हो या पहले हम जाते हो? मैंने प्लान बना लिया है शिंदे साहब, चंदी घंटों का खेल है। ये देखिए, अब इसे पलट के पीछे देखिए। ये काम करने की मेरी फीस, उसमें से आधी रकम आपको पहले चुकानी पड़ेगी। पहले का मतलब अभी। 5 करोड़? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे करूंगा मैं? ख्वाहिशें बड़ी नहीं है मेरी, इसीलिए बहुत कम रकम मांगी है। और वैसे भी आप वो पुराने चीफ मिनिस्टर नायक की तरह जनता की सेवा थोड़ी करते फिरेंगे। कुर्सी पर बैठते ही आप करोड़ों की हेरा फेरी शुरू कर देंगे। ये तो एक ही सिग्नेचर में वसूल कर लेंगे आप। ठीक है, मगर ये काम कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इसमें मेरा नाम। सब तय है शिंदे साहब, काम नाम और अंजाम सब तय है। अब मुख्यमंत्री श्री विनायक शरद मोहिते मिस रानी देशमुख को मेडल देंगे। मिस रानी देशमुख, आप स्टेज पर आइए। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू मिस रानी देशमुख। और हमारे अगले मेडल की विजेता है मिस नीति देसाई। अंजलि, देव कहाँ है? देव, मैंने अभी अंजलि को टीवी पर देखा। टीवी पर? ये रहा रिमोट। चल सब। या बाय। कौन से चैनल पर? चैनल का मुझे मालूम नहीं, मगर मैंने देखा है। यही है, इधर। पर क्या कर रही है वो? यहां तो कोई भी नहीं, लगता है भाग गए।
मुख्यमंत्री की हत्या के 6 घंटे बाद पुलिस कमिश्नर श्री नेगी ने हमसे खास बातचीत की। यस मिस्टर नेगी, जनता से हमारी गुजारिश है कि अफवाहों पर न जाएं और कानून का साथ दें। हम मीडिया के बहुत आभारी हैं जिनकी वजह से हमें सुसाइड बॉम्बर का वो फुटेज मिला। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वो लड़की एक मेडिकल स्टूडेंट थी। उसका असली नाम अंजलि शर्मा नहीं बल्कि अंजलि गांधी है। इस लड़की का बड़ा भाई देवधर गांधी दिल्ली का बहुत बड़ा डॉन था। उसने कई लोगों की हत्या की, उनका अपहरण किया, उनको लूटा। ये सुर्खियों में आपने देखा होगा 6 साल पहले दिल्ली में। 4 साल से गांधी और उसका परिवार अपना नाम बदलकर मुंबई में छुपकर रहता था। कल रात को पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा मगर पूरा परिवार फरार है। छापे में उसके घर से कई आपत्तिजनक कागजात मिले हैं और साथ में एक प्लास्टिक बैग के अंदर 0.5 किलो काला पाउडर भी मिला है जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इस आदमी का किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर के मर्डर के पीछे इन लोगों का क्या मकसद था? पुलिस वाले और टीवी वाले सब झूठ बोल रहे हैं मैम। देव भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। मैम देव भैया की फैमिली ऐसे कभी कर ही नहीं सकती। भैया भैया उस दिन ये अंजलि से मिले थे भैया। जी उस दिन मैं ड्यूटी पर था। आपकी बहन ने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया। ये है वो चिट्ठी। मैं अंजलि शर्मा उफ अंजलि गांधी अपने पूरे होशो हवास में ये बयान दे रही हूँ कि जो भी मैं कर रही हूँ उसमें मेरे भैया देवधर या मेरे परिवार का कोई हाथ नहीं है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। इसके लिए मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए। चिंदे साहब के बेटे को आपने दिल्ली में मारा था इसलिए उन्होंने अपनी दुश्मनी मिस्टर गांधी मुझे शिंदे साहब ने मजबूर किया था। मैं मजबूर था मिस्टर गांधी। हाँ देखो वहां पे ठीक से देखो कुछ भी नहीं है साहब। और यहाँ पे देखा ये मार्क्स देखे। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब है तुम्हारे आदमियों ने शेर की मान में घास प्लेट तो डाल दिया लेकिन जब आग लगाने चले तो माचिस नहीं जली। ये था तुम्हारे प्लान? मगर शिंदे साहब। क्या शिंदे साहब? क्या शिंदे साहब? पीए की लाश मिलने का मतलब है गांधी को सब पता चल चुका है। तो फिर आप ही बताइए आगे क्या करना चाहिए हमें। क्या करना चाहिए मतलब? करोड़ों रुपया तुमने लिया है और अब क्या करना है ये मैं तुम्हें बताऊं? तो फिर अपना दिमाग ठंडा रखिए शिंदे साहब। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं इत्मीनान से करने दीजिए मुझे। अरे लेकिन क्या करेंगे और कब करेंगे? अब गांधी को मारना आसान होगा क्या? अब तो प्लान वो कर रहा होगा कि हम दोनों का क्या करना है। अब तुम सोच क्या रहे हो? मैं सोच रहा हूं। आप अपना देखिए, मैंने अपना सोच लिया है। अपना क्या सोच लिया है? मेडिकल लगाकर मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। क्या तुम छुट्टी पर जा रहे हो इस वक्त? तुम्हें मालूम है कल मुझे मुख्यमंत्री की शव यात्रा में शामिल होना है। पता है मुझे और ये भी पता है कि कल गांधी हम दोनों को खत्म करने की कोशिश करेगा। आखिर गांधी से हम लोग डरते क्यों है इतना? क्या है उसके पास? क्या फौज है उसकी? 2, 4, 8, 10 कितने लोग हैं? सबको धूल चटा दूंगा कल। एक एक करके सबके सब मारे जाएंगे। कल शव यात्रा कहां से और कितने बजे निकलेगी? शव यात्रा कहीं से भी निकले सिक्योरिटी बहुत टाइट है। राकेश जान की किसको फिक्र है? थिंक अबाउट योर मदर, थिंक अबाउट योर ब्रदर एंड योर वाइफ।
मंत्री के अंतिम संस्कार के साथ ही भावी मुख्यमंत्री पद की दौड़ तेज हो गई है और उसमें सबसे पहला नाम डिप्टी सीएम मनोहर शिंदे का है। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। शिंदे साहब मुबारक हो। मुबारकबाद बाद में, पहले उस गांधी को खत्म करो। अरे आप घबराते क्यों हैं? मेरी पूरी टीम इसी काम के पीछे लगी हुई है। हीरो या विलेन, दिल्ली के जिस डॉन देवधर गांधी को मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश का जिम्मेदार माना जा रहा है, उस बारे में दिल्ली की जनता क्या कहती है, आइए ये देखते हैं। हम देवधर गांधी के छत पे खड़े हुए हैं, वो हमारा बच्चा है। सीता देवी और उनका परिवार हमेशा लोगों की मदद करता रहा है। सारा मोहल्ला जानता है, उसको जरूर फंसाया जा रहा है। नो, देवधर गांधी हीरो है, कोई विलेन नहीं। एसिड से चली लड़कियों के इलाज के लिए पैसे देने वाला क्या आतंकवादी हो सकता है? देवधर गांधी हीरो है, हीरो। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले देवधर गांधी ने सिर्फ इसी चैनल से बात की, उसने अपने परिवार और खुद को बेकसूर बताया है। मिस्टर देवधर गांधी, आप कहां से बोल रहे हैं? ये जल्दी पता चल जाएगा। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि मैं और मेरा पूरा परिवार बेकसूर है। मैं या मेरी बहन ने आदरणीय मुख्यमंत्री की हत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। मैं या मेरा परिवार कोई आतंकवादी नहीं, ना ही किसी देशद्रोही संगठन से हमारा संबंध है। एक बड़ी साजिश के तहत मुझे और मेरे परिवार को फंसाया जा रहा है। इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं? राज्य का बहुत बड़ा मंत्री और एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर। मैं नाम नहीं लूंगा अभी। क्यों, आप नाम क्यों नहीं लेंगे? मैं उनको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ कि 4 बजे तक वो लोग खुद जनता के सामने आए और उन्हें सच बताए। 4 बजे ही क्यों? क्योंकि 4 बजे के बाद मैं वीडियो सबूत के साथ हाईकोर्ट में खुद सरेंडर करूंगा। लेकिन कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए वो। नहीं पहुंचेगा मंत्री जी। हाँ, वो कॉल ट्रेस किया तुमने? और किस वीडियो सबूत की बात कर रहा है वो? अगर अगर मेरा नाम आ गया तो? साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है वो हमारे साथ, ताकि हम कोई गलती करें और फंस जाएं। सुनो शर्मा, तुम पूरी टीम को लेकर हाईकोर्ट पहुंच जाओ। हर गेट पे, हर एंट्री पे स्नाइपर्स खड़े कर दो। जैसे ही वो देखिए उसे गोली से उड़ा दो। या शूट टू किल। परिवार वाले अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे। आप हमारे चैनल का लाइव टेलीकास्ट देखते रहिए। रेनू चहल, भाई आज तक। और अब हम अपने दर्शकों को वो वीडियो सीडी दिखाने जा रहे हैं जो देवधर गांधी कोर्ट में पेश करने वाले हैं, और उसी के बाद बेनकाब होंगे मुख्यमंत्री के हत्यारों के असली चेहरे। मुख्यमंत्री जी के हत्या की साजिश उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब और पुलिस कमिश्नर नेगी साहब ने मिलकर रची थी। ये क्या कह दिया इसने? वो दोनों एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते थे। एक मुख्यमंत्री जी को मारकर खुद मुख्यमंत्री बनना, और दूसरा देवधर गांधी और उसके परिवार पर हत्या का इल्जाम लगाकर अपने बेटे की हत्या का बदला लेना। इस काम को अंजाम देने के लिए नेगी साहब ने शिंदे साहब से 5 करोड़ रुपए लिए। इस साजिश का मैं एक चश्मदीद गवाह ही नहीं बल्कि एक अपराधी भी हूँ। देवधर गांधी की बहन को सुइसाइड बॉम्ब पहनाकर मैं ही स्टेज पर ले गया था। पुलिस कमिश्नर नेगी साहब ने देवधर गांधी की बहन पर दबाव डाला कि अगर उसने इस काम को अंजाम नहीं दिया तो वो उसके परिवार को मार देंगे।
आप मुझे 5 करोड़ दीजिए। इधर गांधी की बहन के हाथों सीएम मरेगा, उधर उसका परिवार, और हम देवधर गांधी को मारकर उसे आतंकवादी घोषित कर देंगे। ये थी तुम्हारी प्लानिंग, इसी के 5 करोड़ लिए तुमने। कोई दान नहीं लिया था मैंने आपसे मिस्टर शिंदे। सीएम को मारकर कौन सीएम बनना चाहता था, मैं आप? कौन उसकी गद्दी पर बैठना चाहता था, मैं आप? मुझे सिर्फ 5 करोड़ रुपए देकर अरबों रुपए कमाने का सपना किसने देखा था? आपने मिस्टर शिंदे, आपने। बड़ी डींगे हाकी थी, कैसे देवधर गांधी के दोस्तों को झूठे एनकाउंटर में मारा, उसे दिल्ली से भागने के लिए मजबूर किया, कैसे उसे यहाँ पे। इस तरह झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा मिस्टर शिंदे, सोचने का वक्त है, मुझे सोचने दीजिए। तू सिर्फ अपनी सोच, नेगी सिर्फ अपनी। हाँ, गांधी का फोन ट्रेस किया तुमने? यस सर। किस नंबर से फोन किया उसने? 9322181851। फिर से बोल। 9322181851। गांधी ने मेरे घर से फोन किया। तुम अंदर कैसे आए? मैं लेके आई हूँ। हिंदू, तुमने? सीएम साहब का खूनी है, मेरा दुश्मन है, और तुमने इसे हमारे घर में पना दिया। हमारे घर में नहीं, तुम्हारे घर में। ये मेरा घर नहीं है। मैं चलती हूँ देवा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बच्चियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। और हाँ देवा, जो भी करना विश्वास के साथ करना। सुनो देवदत्त, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बात से हर समस्या सुलझ सकती है, हम ये सारा इल्जाम किसी और पर डाल देंगे, किसी पर भी। और रही तुम्हारी बहन, तो डीएनए रिपोर्ट में दिखा देंगे कि वो लड़की कोई और थी। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम और तुम्हारा परिवार बेकसूर है, ये मैं बोलूंगा, अपने मुंह से बोलूंगा। ऐसे वक्त पर सौदेबाजी नहीं करते शिंदे, जब लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो। दुनियाई रिश्ते में आप मेरे सौतेले भाई हैं। अगर सौतेला भाई आप जैसा होता है तो मैं दुआ करूंगी, भगवान हर बहन को ऐसा सौतेला भाई दे। भगवान से बस एक ही शिकायत है, आप जैसे भाई पे कुर्बान होने के लिए सिर्फ एक ही जिंदगी क्यों दी? अगले जन्म में मुझे अपनी बहन नहीं, अपनी बिटिया बनाना, आपकी बहन अंजलि। मेरी बहन को आरडीएक्स कहाँ लगाया था तूने? यहाँ लगाया था? नहीं, यहाँ लगाया था? हाँ,
कहाँ लगाया था? कहाँ लगाया था? बोल, बोलता क्यों नहीं? लाल 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 दिखे हैं मुझको, जग लाल
कसम माला मा।